ओके सो फर्स्ट टेल मी के व्हाट इज डायबिटीज. समझ आता डायबिटीज क्या है. डायबिटीज कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग डायबिटीज को. बड़ा टॉपिक इट वुड बी बेटर कि तुम लोग जो ना जल्दी जल्दी मुझे जवाब दो. सो हाउ विल यू डिफाइन डायबिटीज. क्या होती है डायबिटीज. किसी को भी नहीं पता. When the level of glucose exceed in the body and it not be controlled by your body, ठीक है. Diabetes क्या है. It's a chronic and metabolic disease that is characterized by the elevated level of blood glucose or blood sugar. It's a chronic disease, acute नहीं है कि foreign से develop होती है, ठीक है? And it's a metabolic disease. कितने types of diabetes होती है? कितने types of diabetes होती है? कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डायबिटीज होती हैं. डायबिटीज मेलाइटिस कितने टाइप्स की होते हैं. डायबिटीज बेसिकली टू टाइप्स की होती है. टाइप वन. इसके अलावा भी इसकी टाइप्स आती हैं जो मैम ने बताया होगा. टाइप वन इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप टू इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है. उसके अलावा टाइप थ्री में हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज भी आती है. फोर्थ में हमारे पास ड्रग इंड्यूस या फैक्टर इंड्यूस डायबिटीज भी आ जाती है, ठीक है. लेकिन जो टू मोस्ट कॉमन है उनमें से एक है इंसुलिन डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है. ओके सो व्हाट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है. अब फॉर्म मेरी स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है. स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है. इट्स अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स. बेसिकली आपकी बॉडी में जो पैनक्रियास है उसमें अल्फा सेल्स भी होते हैं बीटा सेल्स भी होते हैं. अल्फा सेल्स का काम क्या होता है वो लेटर डिस्कस होगा. पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं. जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी. इंसुलिन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है वो इंसुलिन जो है वो सेंसिटिव रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट करता है. सेंसुलिन हार्मोन है सॉरी. तो वो सेंसिटिव हार्मोन है तो वो डिटेक्ट करता है और शुगर की अपटेक करवाता है. उसकी मेटाबॉलिज्म करवाता है. उसको यूटिलाइज करवाता है बॉडी में ताकि वो ब्लड में ना रहे, ठीक है ना. सो जब भी आपका पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज या वट एवर द रीजन इज पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो गए तो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो ही नहीं रही. उसको हम टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं. कब होती है ये. यूजुअली चाइल्डहुड ड्यूरिंग चाइल्डहुड में ही होती है, ठीक है. इसके साइनो सिम्टम्स क्या होते हैं. पॉलीयूरिया पॉलीफेगिया पॉलीडिस्पिया और जो है ब्लरिंग ऑफ विजन सडन वेट लॉस ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. पॉलीयूरिया हो रहा है
यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, पॉलीडिस्प्लिया हो रहा है यानी फ्रीक्वेंट थर्स्ट का हो रहा है, पॉलीफेगिया हो रहा है यानी फीलिंग हंग्री हो रहा है, सडन वेट लॉस है, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सारे जो है डायबिटीज टाइप 1 के सिम्टम्स है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे टाइप 1 डायबिटीज का, एग्जैक्टली टाइप 1 डायबिटीज है, द नेम इंडिकेट इंसुलिन डिपेंडेंट है, हम क्या देंगे एक्सोजेनस इंसुलिन ही डायरेक्ट देंगे, ठीक है, एक्सोजेनस इंसुलिन ही उसका काम कर सकते हैं, कोई और चीज काम नहीं करेगी क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, ठीक है। सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का तो यही काम होगा ही नहीं, टाइप 1 में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कोई फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, समझ आ रही है, तो लिस्प्रो कोई काम नहीं करेगी, इंसुलिन ही हम देंगे, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 इज इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इसकी सीक्रेशन कैसे होती है बॉडी में यूजुअली, इट मोस्ट ऑफन ट्रिगर बाय द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा इंसुलिन की सीक्रेशन होगी और वो उसको यूटिलाइज करवाएगी, जब बॉडी में इंसुलिन नहीं है सीक्रेशन नहीं हो रही है ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रीटमेंट हम किससे करेंगे, ट्रीटमेंट हम करेंगे इंसुलिन देंगे। अब इंसुलिन में हमारे पास क्या आती है, इंसुलिन में हमारे पास बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं, जिसमें हमारे पास रैपिड एक्टिंग भी आती है जिसको हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग भी बोलते हैं, रैपिड एक्टिंग को हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी बोलते हैं, उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है एंड लॉन्ग एक्टिंग है। अगर तुम लोग ये पिक्चर नजर आ रही है तो तुम लोग को पता चल रहा होगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स का, ठीक है, जो रैपिड एक्टिंग है वो फॉरन से एक्शन प्रोड्यूस करेगी लेकिन फॉर लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, इसी तरह से जो शॉर्ट एक्शन एक्टिंग है वो थोड़ी देर ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगी लेकिन थोड़ा देर से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग दे रहे हैं तो इमिजिएटली बिफोर मील हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है ना, रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 30 मिनट्स बिफोर मील देनी होती है, फिर इसी तरह इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग में ये कि वो 1 आवर बिफोर या 1.30 मिनट्स बिफोर देनी पड़ती है, ये बात समझ आ रही है, क्योंकि जिनका एक्शन लेट स्टार्ट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन प्रोड्यूस करती है, प्रोलॉन्ग एक्शन भी उनका होता है, कुछ समझ आ रहा है या रिपीट करूं, दो बच्चों को समझ आ रहा है। अच्छा देखो ये